नमस्कार। रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पिछले सेशन में हमने एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत स्लाइड मास्टर के टॉपिक को प्रारंभ किया था और पिछले सेशन हमने ये जाना था कि स्लाइड मास्टर क्या होता है और स्लाइड मास्टर में हम कैसे चेंजेस करते हैं जिससे कि अनदर स्लाइड जितनी भी स्लाइड्स हैं उसमें चेंज होता है। तो इस पर दो ऑप्शन होते हैं कि आइदर आप जो मास्टर स्लाइड के थ्रू सभी स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं या स्पेसिफिक लेआउट वाली स्लाइड्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो पिछले सेशन में हमने सभी स्लाइड्स में थीम और फॉन्ट चेंज करने का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा था और उसको हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया था। आज हम उस टॉपिक को आगे रिज्यूम करते आगे बढ़ाते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वर्किंग विद स्लाइड मास्टर में वो है, पहला है टू चेंज टेक्स्ट कलर और अलाइनमेंट ऑन ऑल स्लाइड्स। यदि हम अपनी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स में टेक्स्ट कलर या अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले व्यू टैब को सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप के अंदर स्लाइड मास्टर व्यू कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड मास्टर टैब अपीयर हो जाएगी। उसके बाद आप फर्स्ट स्लाइड जो है स्लाइड मास्टर जो होती है आपकी टास्क पेन में आपको लेफ्ट में दिखेगा वो फर्स्ट स्लाइड जिसको हम बोलते हैं स्लाइड मास्टर उसको सिलेक्ट करेंगे यदि आपने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। उसके बाद जो टेक्स्ट यूजर मॉडिफाई करना चाहता है या फॉर्मेट करना चाहता है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम जो सभी स्लाइड्स जो कोई टाइटल है का कलर और अलाइनमेंट वो चेंज करेंगे जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो उसके लिए हम पहले होम टैब पर क्लिक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम स्लाइड मास्टर और सपोर्टिंग लेआउट्स आपके वो लेफ्ट में रहेंगे क्योंकि आपका स्लाइड मास्टर व्यू करंट व्यू है। उसके बाद होम टैब के बाद आप फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट कलर कमांड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी फॉन्ट आपको चूज करना है या आप देख सकते हैं उसका लाइव प्रीव्यू भी, उसके बाद आप कर्सर लेकर जाएंगे तो उसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं मास्टर स्लाइड पर। उसके बाद जो भी फॉन्ट कलर सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे मेन्यू ऑप्शन से। ओके, तो वो फॉन्ट कलर सभी स्लाइड्स पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अलाइनमेंट कमांड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप स्लाइड शो व्यू और नॉर्मल व्यू कमांड को आप क्लिक करेंगे जिससे कि आप स्लाइड मास्टर व्यू से बाहर आ जाए और उसके बाद आप चेंजेस देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि सभी स्लाइड्स में हम टेक्स्ट कलर अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं। ओके, सो मैंने एक ये प्रेजेंटेशन खुली हुई जिसमें चार स्लाइड्स हैं, आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स 4 है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, व्यू टैब क्लिक किया, उसके बाद स्लाइड मास्टर कमांड को क्लिक किया हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्लाइड मास्टर टैब ओपन हो गई है और अभी और सब यदि मुझे सभी स्लाइड्स को चेंज करना तो जो नंबर 1 स्लाइड है जिसको हम बोलते हैं स्लाइड मास्टर उसको हमने क्लिक किया। उसके बाद सपोज मैं मुझे मास्टर जो टाइटल जो टेक्स्ट है टाइटल का कलर है अलाइनमेंट चेंज करना है तो उसके बाद मैंने उसको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं होम टैब पर हम गए, होम टैब के अंदर आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो भी फॉन्ट है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज ले लिया और उसके बाद हम फॉन्ट का कलर जो भी चूज करना है आप कर सकते हैं और उसके बाद यदि आपको उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है तो हम अलाइनमेंट कमांड पर गए और जो भी अलाइनमेंट आपको लेना है राइट लेफ्ट राइट जस्टिफाइड सेंटर तो हमने सेंटर ले लिया। अब उसके बाद हमको चेंजेस देखने अकर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम व्यू पर जाके नॉर्मल व्यू पर हमने सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं जहां जहां पर मेरी स्लाइड्स में सभी स्लाइड्स में टाइटल आ रहा है उसका फॉन्ट अब चेंज हो गया है और उसका अलाइनमेंट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी स्लाइड्स में जो टेक्स्ट आपको चेंज करना है उसका हम फॉन्ट कलर या अलाइनमेंट वो चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लाइड मास्टर। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि सपोज आपको सभी स्लाइड्स में कोई पर्टिकुलर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप जैसे आपके पास 1000 स्लाइड्स हैं बहुत सारी स्लाइड्स हैं अब उनमें सब में पिक्चर आप ऐड करेंगे करके तो इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम, सो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस
सेंस में स्लाइड मास्टर में क्या करेंगे, जो आपकी स्लाइड मास्टर है उसमें आप पर्टिकुलर पिक्चर को इंसर्ट कर देंगे तो वही पिक्चर आप सभी सभी स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, क्योंकि स्लाइड मास्टर जो आपकी मास्टर स्लाइड है वो सभी स्लाइड्स को कंट्रोल करती है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। तो उस प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, आपको सभी स्लाइड्स में एक पर्टिकुलर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले व्यू टैब को सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप के अंदर स्लाइड मास्टर व्यू कमांड को क्लिक करेंगे तो स्लाइड मास्टर टैब अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको स्लाइड मास्टर सिलेक्ट करना है सभी स्लाइड्स के लिए, तो फर्स्ट स्लाइड जो होती है आपकी, जो आपने देखा था टास्क पेन में स्लाइड मास्टर व्यू में जो आपकी फर्स्ट स्लाइड होगी वो स्लाइड मास्टर होगी, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इंसर्ट टैब पर आपने सिलेक्ट करेंगे तो आपको पिक्चर ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको देख सकते हैं स्नैपशॉट से। उसके बाद आप पिक्चर कमांड पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर कमांड, तो आपका इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद जो पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है उसको लोकेट करें, उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर आपकी स्लाइड मास्टर में अपीयर हो जाएगी। उसके बाद उस पिक्चर को क्लिक करें, उसको आप अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे भी ले जा सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह, और उसके बाद माउस बटन को रिलीज करना है। उसके बाद आप स्लाइड शो व्यू और नॉर्मल व्यू को क्लिक करेंगे जिससे कि आप जो भी चेंजेस हैं वो आप देख सकते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को एक बार हम देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं मेरी अगेन ये चार स्लाइड्स हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्यू पे जाके स्लाइड मास्टर व्यू है उसको क्लिक किया तो आपका स्लाइड मास्टर टैब अपीयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्लाइड मास्टर टैब अपीयर होने के बाद जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है मींस दिस वन, दिस इज कॉल्ड अ स्लाइड मास्टर जो सभी स्लाइड्स को कंट्रोल करती है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अब आपका सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर गए, इंसर्ट टैब में जाने के बाद पिक्चर पर गए, तो पिक्चर के बाद जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज मैंने ये डेजर्ट की फोटो ले ली, उसके बाद इंसर्ट, तो उसके बाद आप उस साइज को रिसाइज भी कर सकते हैं इस पिक्चर को, या पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे आपको ले जाना चाहते हैं आप उसको वहां पे आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं इसको यहां पर ले गया, ओके ये पिक्चर इंसर्ट हो गया आपका। उसके बाद अब आपको ये देखना कि ये पिक्चर सभी स्लाइड्स पे आपकी इंसर्ट हुई या नहीं हुई है, तो उसके बाद आप मास्टर जो मास्टर व्यू है इसको क्लोज करेंगे और आप देख सकते हैं नॉर्मल व्यू में, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी सभी स्लाइड्स में वो पिक्चर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई है उसी पोजीशन पर। ओके, सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टास्क या प्रोसेस समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, अब तक हमने देखा कि सभी स्लाइड्स में जितनी भी स्लाइड्स में सबको चेंजेस में आकर करना है, तो अभी तक हमने वो प्रोसेस किया। अब सपोज हम कुछ पर्टिकुलर स्लाइड्स में पर्टिकुलर लेआउट्स में चेंज करना चाहते हैं, स्पेसिफिक लेआउट्स में, तो उसके लिए क्या करना है। सो इन एडिशन टू चेंजिंग डिजाइन एलिमेंट्स ऑन ऑल द स्लाइड्स, यूजर कैन चेंज डिजाइन एलिमेंट्स ऑन स्लाइड दैट यूज अ स्पेसिफिक लेआउट। ओके, स्पेसिफिक लेआउट जैसे टाइटल कंटेंट या टाइटल ओनली लेआउट या सेक्शन लेआउट, यदि पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेआउट पर चेंज करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यूजर कैन अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग टू द टाइटल एंड कॉन्टेंट और सेक्शन हेडर लेआउट्स बाई कस्टमाइजिंग स्पेसिफिक स्लाइड लेआउट्स, यूजर हैव मोर कंट्रोल ओवर द स्लाइड्स एंड द प्रेजेंटेशन एज ए होल। ओके, सो पहला है इसमें कि यदि हमको पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेआउट में जो स्लाइड्स है वाली स्लाइड्स है उसमें हमको फॉन्ट कलर या फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले व्यू टैब को सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप के अंदर स्लाइड मास्टर व्यू कमांड को क्लिक करेंगे तो स्लाइड मास्टर टैब आपका अपीयर हो जाएगा। उसके बाद जो लेआउट को पर्टिकुलर लेआउट को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप पहले सिलेक्ट करेंगे, तो हम इसमें सेक्शन हेडर लेआउट वाले पर्टिकुलर लेआउट को चेंज करेंगे। पहले हम देख लेंगे अपने एग्जाम्पल में सेक्शन हेडर लेआउट वाली कोई स्लाइड है, यदि होगी तो हम सेक्शन हेडर लेआउट वाली स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे इन द टास्क पेन ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में जो टास्क पेन है वहां पर। उसके बाद जो टेक्स्ट यूजर मॉडिफाई करना चाहता है उसको हम सिलेक्ट करेंगे या फॉर्मेट करना चाहता है, और उस टेक्स्ट में हम क्या क्या चेंज करेंगे, एक फॉन्ट कलर और कोई टेक्स्ट शेडो ऐड करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट कलर के लिए पहले होम टैब को सिलेक्ट किया, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट कलर कमांड को क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी कलर आपको चाहिए उसका आप लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं बाय पुटिंग द कर्सर ऑन इट,
ऑन द मास्टर स्लाइड। उसके बाद फिर आप मेन्यू ऑप्शन में जाके फॉन्ट कलर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आप पर्टिकुलर टेक्स्ट पे टेक्स्ट शेडो करना चाहते हो तो क्या करेंगे, टेक्स्ट शेडो कमांड ऐड करेंगे टू ऐड ए शेडो। उसके बाद आप नॉर्मल व्यू पर आ जाएंगे जिससे आप चेंजेस देख सकें। तो आइए इस प्रोसेस को एक बार हम देख लेते हैं। ओके सी, यहाँ पर हमारी चार स्लाइड्स हैं। तो एक बार हम पहले व्यू में जाके स्लाइड मास्टर व्यू हमने ओपन किया। अब आप देख सकते हैं ये मेरा कौन सा लेआउट है, टाइटल स्लाइड लेआउट। इसकी कौन सी एक ही स्लाइड यूज कर रहा है, स्लाइड नंबर वन। ये है टाइटल एंड कंटेंट, कोई भी स्लाइड ऐसी टाइटल कंटेंट लेआउट की नहीं है। और ये मेरा है सेक्शन हेडर लेआउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो स्लाइड्स सेक्शन हेडर लेआउट की है, यूज बाय स्लाइड टू। ओके ओके सो आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर दो, ओनली एक ही स्लाइड है जो सेक्शन हेडर लेआउट को सिलेक्ट कर रही है। तो उसको सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया सेक्शन हेडर लेआउट को, और उसमें भी जिस टेक्स्ट को आपको चेंज करना है। तो सपोज मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया या इसको सिलेक्ट कर लिया, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को। उसके बाद हम होम टैब पर गए, होम टैब के बाद फॉन्ट आप ग्रुप के अंदर फॉन्ट कलर पे गए, और जो भी कलर आपको चेंज करना है वहां से देखते, इसका लाइव प्रीव्यू आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए चेंजेस होता जा रहा है जैसे हम उस कलर पर जा रहे हैं। उसके बाद जो भी कलर लेना है उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यदि कोई पर्टिकुलर आपको शेडो टेक्स्ट शेडो, तो आप फॉन्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट शेडो पे गए, ठीक है, और टेक्स्ट शेडो आपने यहां पे सिलेक्ट कर लिया यहां से। और उसके बाद अब हम व्यू में जाके नॉर्मल व्यू सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं खाली जो सेक्शन हेडर लेआउट वाली जो भी स्लाइड होगी, खाली उसी में चेंज अकर हुआ होगा, और कोई भी स्लाइड में अकर चेंज अकर नहीं हुआ होगा। आप देख सकते हैं यहां से जाके, तो आप देख सकते हैं मेरी स्लाइड नंबर दो जो सेक्शन हेडर की थी, इसका जो मैंने टेक्स्ट टाइटल सिलेक्ट किया था उसका फॉन्ट कलर, और उसमें फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया, उसमें शेडो भी एड हो गया। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेआउट वाली स्लाइड में हम चेंज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ओके सो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है कि टू इंसर्ट ए लाइन ऑन स्लाइड्स विद ए स्पेसिफिक लेआउट, विद ए स्पेसिफिक लेआउट। ओके सो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट आगे के सेशन में कवर करेंगे, और साथ ही साथ स्लाइड मास्टर में जो जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी हम एक बार हम रिवाइज करेंगे, सो दैट कि आपको और इजी रहे समझने में। सो आई होप आपको ये आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।